देखिए क्वेश्चन है, जेई मेन 2019 12 जेन सिफ 2 का क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स देन एच डैश वन इज इक्वल टू। अब आप देखो जो गिवन कंडीशन है, इसी में बहुत आसान मेथड से बताता हूँ। आप ये देखो किस फंक्शन का आप जानते हो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप जानते हो कि जब ई टू दी एक्स प्लस माइनस अल्फा रहे तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा। क्वेश्चन यहीं से डिकोड कर लिया मैंने। अब आपके पास एक कंडीशन दे रखा है एफ ऑफ वन इक्वल टू टू, ठीक है, एफ ऑफ वन इक्वल टू टू दे रखा है। अगर हम यहाँ पे सम कांस्टेंट भी लगा दें तब भी मेरे पास वही सेम चीज आएगा, ठीक है। तो अब आप बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो एफ ऑफ वन अगर हम निकाल लें यहाँ से के टाइम्स ई रेस टू द पावर वन प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू दे रखा है। आप देखो अगर हम के को टू बना लें और अल्फा को प्लस माइनस है, तो अगर हम मान लो प्लस हटा देते हैं तो अल्फा को अगर हम मतलब कहने का मतलब इसको जीरो बनाना था तो अल्फा को वन बना दें तो हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लिख लें टू रेस टू इंटू ई टू द एक्स माइनस वन, मेरे पास आ गया रिजल्ट एक्स इक्वल टू वन, सब्सटीट्यूट करो ये टू, इसका डेरिवेटिव लो यही मिलेगा मुझे। क्वेश्चन देखते के साथ ही डिकोड कर लिया। अब आपको क्या कह रहा है, एच एक्स एच डैश वन निकालने को कह रहा है, तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, चेन रूल से यही हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको एच डैश वन, तो एच डैश वन इज इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ वन टाइम्स एफ डैश वन। अब यहां से एफ वन निकाले तो एफ वन इज इक्वल टू टू दे रखा है, तो एफ डैश टू टाइम्स एफ डैश वन। अब आप देखो ये फंक्शन है, एफ डैश एक्स भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही फंक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कंडीशन भी गिवन है। तो एफ डैश वन निकालो, एफ डैश वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और एफ डैश टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू इंटू ई हो जाएगा, सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा टू ई टाइम्स टू विच इज इक्वल टू फोर ई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस कदर इसे आसानी से सॉल्व करना था, बस यही मेरा था। हमें पता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, हमने के कांस्टेंट किया इसका भी डेरिवेटिव लोगे सेम ही आएगा, और फाइनली मैंने यहीं से क्वेश्चन को डिकोड कर दिया और फाइनली इसके आंसर तक पहुंच गया।